हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है दिव्या हरजाई और आप लोग मुझे देखते हैं ऑन अर्चना हरजाई व्लॉग्स एज वेल. सो व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो? इट इज़ व्हाई आई चोज ई बिजनेस मैनेजमेंट एंड हाउ डिड आई गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस. मतलब कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या मैंने किया और एग्जैक्टली किस प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं हु वॉन्ट टू अप्लाई फॉर समथिंग सिमिलर इन UK. एंड आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो विच इज़ policybazaar.com. पिछले साल ने तो हमको ये ज़रूर सिखा दिया है कि लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ बहुत है और इन्फ्लेशन रेट तो आसमान छूने लगा है. सो अलॉन्ग विद सिक्योरिंग आर फ्यूचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर आर चाइल्ड्स फ्यूचर एज वेल. इसके लिए ज़रूरी है एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान. बिल्डिंग अ कॉर्पस ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बाई सेविंग स्मॉल बट सेविंग इट राइट. इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. ये बच्चों की स्कूल एजुकेशन से लेके उनकी हायर एजुकेशन तक हेल्प करता है, और मान लो इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाए तो आप ये पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं. चाइल्ड सेविंग प्लान के और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अब मैं आपको बताती हूँ उनके ट्रिपल बेनिफिट्स. पहला, फ्यूचर प्रीमियम्स. इन केस मान लीजिए किसी एक पेरेंट को कुछ हो भी जाता है तो जो आगे के प्रीमियम है वो इंश्योरर ही भरेगा. सेकेंड, मंथली इनकम. बच्चे की एजुकेशन फंड करने के लिए एक मंथली इनकम भी मिलेगी. थर्ड, लमसम पे आउट. इसके साथ साथ फैमिली को एक लमसम पे आउट भी मिलेगा ताकि वो भी ठीक से सर्वाइव कर सके. और बेनिफिट्स बताऊं, इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अ कॉर्पस फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन. इट अलाउज वन टू विदड्रॉ फ्रॉम द प्लान फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड. इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ चाइल्ड इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स. देयर इज ऑल्सो इनकम प्रोटेक्शन फॉर द चाइल्ड. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कोलैटरल फॉर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन एंड इट कुड ऑल्सो बी पार्शियली विदड्रॉन इन केस ऑफ अ नीड. अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में. ये चाइल्ड प्लान्स टैक्स एग्जेम्पशन की हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ईईई कैटेगरी. फ्यूचर भी सिक्योर होगा और टैक्स में भी हाईएस्ट रिबेट मिलेगा. तो चाहे आपका बॉय चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड, इट डजंट मैटर, आप दोनों के लिए प्लान ले सकते हैं. और मान लीजिए कल को हम दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को कुछ हो भी जाता है तो चाइल्ड विल बी सिक्योर विद हेल्प एंड सपोर्ट. और इसको क्लेम करने के लिए आपको बस सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली वेरीफाई कराने होते हैं. तो अगर आप भी अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो अभी लॉग ऑन करें policybazaar.com पर और जाके सारे चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान ज़रूर चेक करें. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो मैंने इंटायर प्रोसेस जो था उसके बारे में बहुत पढ़ा था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक्सप्लोर किया था. कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो बहुत काम आती है, स्पेशली व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू स्टडी इन UK और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो आई एम गोना गिव यू लिंक्स ऑफ दैट इन द वीडियो आगे जाके. मैंने अप्लाई किया था, मैं इसके लिए अपना फ़ोन यूज़ करूँगी एक टाइमलाइन के लिए प्रॉपर. सो आई स्टार्टेड माई प्रोसेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक ऑन 9th of February. आई स्टार्टेड फिलिंग इन माई एप्लीकेशन. आई डिड नॉट कम्प्लीट इट. आई वॉज एबल टू कम्प्लीट इट द नेक्स्ट डे, 10th of February. मेरी एप्लीकेशन कम्प्लीट हो गई थी. और यूजुअली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की कोई फ़ी नहीं होती है जब आप अप्लाई करते हो, बट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक हैड £60 का एप्लीकेशन फ़ी. इट मे डिफर फ्रॉम कोर्स टू कोर्स, हो सकता है किसी और कोर्स में ज़्यादा हो किसी और में कम. मेरे कोर्स में £60 यानी कि क्लोज टू 6,000 रुपीज़ थी एप्लीकेशन फ़ी. ऑल्सो इसके साथ साथ मैंने 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तब नहीं पता था कि यू नो वेल आई स्पोक टू समवन आफ्टर दैट एंड दे सेड यू हैव सच अ गुड स्कोर और आप जिसमें भी अप्लाई करोगे बहुत हाई चांसेस है कि आपके आ जाए. सो डू नॉट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज एंड में आपको डिसाइड करने में मुश्किल हो जाएगी कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें कौन सी नहीं. बट जब तक मेरी उनसे बात हुई थी मैं ऑलरेडी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुकी थी. तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने इसी डेट के आसपास एक दिन पहले एक दिन बाद ऐसे ही अप्लाई किया था. सो ऑल्सो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक का एक्सेप्टेंस रेट इज़ क्लोज टू सम 13%. मतलब कि अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें से सिर्फ 13 चूज़ होते हैं. तो इस वजह से मैंने वहाँ पे पहले शायद अप्लाई भी नहीं किया था. एक तो इसकी जो फीस है दैट्स ऑलमोस्ट अ डबल ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ दैट आई अप्लाइड एट. बट एट द सेम टाइम क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस रेट इतना लो था, बट एनी वे
बहुत रिसर्च करने के बाद आई रियलाइज्ड कि इट कम्स इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन द यूके. आई थिंक इट्स आपको मैं ये डेटा इसलिए बता रही हूँ कि दो वेबसाइट्स हैं, एक तो theguardian.com जो कि यहाँ पे यूके में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स बताती है एंड इट्स वेरी ट्रस्टवर्दी, एंड दी अदर वन इज़ QS रैंकिंग सिस्टम जो कि वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़ की आपको रैंक्स बताती है यूनिवर्सिटीज़ की. तो दोनों जगह मैंने चेक किया और मैंने और यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया तो वॉरिक स्टूड ऑन द टॉप. वॉरिक इज़ आई थिंक 6th or 5th इन यूके इट्सेल्फ. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया और मुझे लगा कि एक बार इन्वेस्टमेंट तो आप कर रहे हो पर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिले, आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी हो. तो उसके बाद मैंने फैकल्टी के बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे लगा कि मैं एक सही जगह जा रही हूँ इफ़ आई वॉन्ट टू परस्यू ई बिजनेस मैनेजमेंट विच इज़ डिजिटल मार्केटिंग जो मेरी स्पेशलाइजेशन है उसमें. तो आपको याद होगा अगर आपने मेरे को बहुत टाइम से आप फॉलो करते हैं तो अर्जुना के ब्लॉग्स में हम दोनों ने हमारे फ्यूचर गोल्स में भी बताया था कि आई रियली वॉन्ट टू परस्यू ईदर चाइल्ड साइकोलॉजी और डिजिटल मैनेजमेंट या फिर टाइम मिला तो दोनों करूँगी आगे जाके. और ये जो गोल्स थे ये सब एक्चुअली पूरे हो रहे हैं और हमने मेहनत करी है इसके लिए और आज हम यहाँ पे यूके में बैठे हुए हैं. मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक के अंदर अकोमोडेशन में बैठी हुई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ. तो ऑल्सो द कोर्स दैट आई एम परसुइंग विच इज़ ई बिजनेस मैनेजमेंट, इसकी टॉप रैंक होती है यूके में वॉरिक यूनिवर्सिटी. तो मुझे लगा कि भाई इसको इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और हो या ना हो आप अप्लाई तो करो. तो मैंने अप्लाई किया और 10th of February को सारे मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके थे. अप्लाई करते हुए आपको बहुत ज़रूरी एक फैक्टर होता है जब भी आप किसी यूके यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. यानी कि आपको इन क्लोज टू इट डिपेंड्स, हर यूनिवर्सिटी का अलग वर्ड लिमिट होता है, आपको उतने वर्ड लिमिट के अंदर उनको एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनको कन्विंस करोगे कि वो आपको क्यों ले, मतलब उसकी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी स्टैंडिंग है, वाई शुड दे चूज़ यू ओवर अदर स्टूडेंट्स, वॉट हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन, आपने इससे पहले कोई काम किया है या नहीं, या इससे पहले आपने कौन सी एजुकेशन ली है किस फील्ड में, और आप अब जो एजुकेशन परस्यू करना चाह रहे हो वो क्यों करना चाह रहे हो. तो ये लिखने में आई रिमेंबर आई स्टार्टेड बैक इन ऑगस्ट लास्ट ईयर, ऑगस्ट इनफैक्ट सितंबर अगस्त के आसपास मैंने शुरू किया था. और ट्रस्ट में ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे आता है. आप बिल्ड करते हो थॉट्स और ऐसा नहीं कि एक बार बैठे और आपने लिख लिया, यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन. मैंने जब लिखा था मुझे क्लोज टू क्योंकि अव्युक्त भी मैनेज कर रहे थे हम साथ में और घर का काम भी और सब कुछ साथ में हो रहा था और साथ में शूट्स वगैरह भी चल रहे थे तो बहुत कम टाइम मिल पाता था. और मैंने फाइनली 2 महीने के अंदर जाके अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी टाइमलाइन यही है कि मुझे जैन फेब में अप्लाई करना है फॉर सितंबर इनटेक. तो उसके बाद जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपनी लिखी, मैंने और लोगों से एटलीस्ट अपने 2-3 फ्रेंड्स से और जो लोग इस फील्ड के बारे में जानते हैं उनसे पढ़वाई, वो मैंने उनको मेल करी या मैंने उनको भेजी और उन्होंने रिव्यू किया, उनने अपना फीडबैक दिया और फिर मैंने और इम्प्रूव किया अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को. और फिर मैंने अपनी मेन एप्लीकेशन के साथ 10th of February सारी डिटेल्स के साथ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई करी है पहले, फॉर्म पूरा भरा सब कुछ, पासपोर्ट नंबर पूछते हैं वो आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं अगर कुछ है नहीं, आपने कब तक पढ़ाई करी, कौन सी ईयर में ख़त्म करी, ये सब. और उसके बाद फिर साथ में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सबमिट करना होता है. अब इसी दौरान मैंने और एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, न्यूकासल यूनिवर्सिटी विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी. उसमें भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया था और उसमें भी मुझे रिजल्ट्स आ गए थे. इनफैक्ट आई अप्लाइड ऑन 11th of February, मैंने अपना पूरा जो प्रोसेस है वो ख़त्म किया था एप्लीकेशन का. और उसके बाद यू विल नॉट बिलीव, ऑन 12th of February आई गॉट द ऑफर. They read my personal statement and they went through my documents and they gave me an offer to study at Newcastle University. So, अब मेरे पास एक ऑफ़र ऑलरेडी हाथ में था और मैंने और भी एक आध जगह अप्लाई किया था, उसका भी ऑफ़र मेरे हाथ में था. तो जब मैंने वॉरिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उसी टाइम पर उनका एक वर्चुअल फेयर भी चल रहा था, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस पूछे कि आगे जाके अपने कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे वो. और मैंने उनको ये भी बताया कि मेरे पास और यूनिवर्सिटी के ऑफर्स है और एक डेडलाइन है जिसमें मुझे उनको आंसर देना है, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं व्हाट इज़ अ टाइमलाइन, मुझे कब तक पता चलेगा कि आप
that you accept me on the course or not. Usually उनका turnout time जो यानी कि आपको application respond करने के लिए कभी कभी एक महीना भी लग जाता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा. But मेरे केस में I got an offer letter exactly after 7 days and 16th of Feb, I still remember the date. It was my best friend's birthday. Sindhu ka birthday tha us din. So, ye aap dekh sakte hai, ye mera offer letter hai aur isme likha hai clearly. Ye mera Warwick offer hai for e-business management. You can see this. And well, this was a conditional offer. Ab conditional offer kya hota hai? Usually जब आप कोई भी UK university में apply करोगे तो कुछ set criteria होते हैं जो आपको meet करने होते हैं. हर course के लिए अलग criteria होता है. मेरे course के लिए IELTS देना बहुत ज़रूरी था if I had to enter UK. तो IELTS academic मैंने लिया था British Council से और British Council I think I didn't have much time to prepare क्योंकि मैं बॉम्बे में थी जब ये सब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था और फिर IELTS Academics दिया और I passed and उसकी वजह से conditional offer जो था वो ये था कि मुझे एक तो क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है इस फील्ड में क्योंकि मैं एज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी आई यूज टू हैंडल द सोशल मीडिया एंड ऑफ अर्जुनाज प्रोफाइल और साथ में कैंपेन्स वगैरह जो होते थे उसके बारे में डिस्कशन सब कुछ मैं हैंडल करती थी तो मेरा एक्सपीरियंस भी था उस फील्ड में थोड़ा बहुत बट ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव इन डेप्थ नॉलेज दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू परस्यू द कोर्स तो मैंने बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने उससे पहले पढ़ाई करी हुई है इंग्लिश में और कम्युनिकेशन स्टडीज़ में और साथ में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था तो अब मुझे प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस लेटर उनको भेजना था और जो मेरे एम्प्लॉयर्स थे पुराने यानी कि मैंने ब्रिटिश स्कूल में काम किया था मैंने आर्ट्स एंड स्टूडियोज में काम किया था उससे पहले मैंने लोटस वैली में काम किया था तो कोई भी लेटेस्ट 2 employees की तरफ से एक उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जाना था कि हम रेकमेंड करते हैं कि ये यू नो शी बेयर्स अ गुड कैरेक्टर एंड शी हैज़ वर्क विद अस एंड शी वॉन्ट्स टू परस्यू फर्दर हर स्टडीज सो प्लीज़ कंसिडर हर ऑन योर कोर्स तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन से फिर मैंने उनको मेल करवा के अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेजा तो मेरी कंडीशनल ऑफर में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन IELTS का सर्टिफिकेट और ये दोनों चीज़ें साथ में मेरी ओरिजिनल जो ट्रांसक्रिप्ट्स थी उनकी प्रॉपर स्कैंड वर्जन्स उनको मैंने भेजे उसके बाद फिर मेरा कंडीशनल ऑफर हो गया अनकंडीशनल यानी कि नाउ आई वाज ऑफिशियली ऑन द कोर्स एंड आई जस्ट हैड टू पे अ फी £1500 यानी कि 1.5 लाख रुपये मुझे देने थे टू सिक्योर माई सीट बिकॉज नाउ द ऑफर वॉज अनकंडीशनल सो देन मैंने उनको फी भी पे कर दिया और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा वीज़ा का प्रोसेस जब मेरे को उनकी तरफ से एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट आ गया वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक CAS नंबर विच इज़ कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक यूनिक नंबर देगी जो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करने में काम आएगा सो आई हैड टू वेट 3 months बट ये उनका टाइमलाइन है हर यूनिवर्सिटी का कि वो अराउंड द टाइम अगर सितंबर इनटेक है तो वो जून जुलाई में ही देंगे आपको कैश अगर आपका जैन इनटेक है तो वो एक पर्टिकुलर डेट पे ही आपको 2-3 महीने पहले ही आपको कैश इशू करते हैं जैसे ही मेरे पास कैश लेटर आया उसके बाद मैंने शुरू करा अपना वीज़ा प्रोसेस और अगर आप जानना चाहते हैं कि वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है फॉर UK यूनिवर्सिटीज़ प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो एंड आई विल मेक अनदर And I'll make another very informative video on the same. और ये क्योंकि as a family मैंने फाइल किया था वीज़ा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमको नहीं मालूम थी हमको स्ट्रगल हुआ बिकॉज आई डेंट टेक द हेल्प ऑफ एनी काउंसलर और एनी थर्ड पार्टी एजेंट तो हमने सारा प्रोसेस खुद ही किया था ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊँगी मेरे कुछ डाउट्स थे जो यूनिवर्सिटीज़ को लेके कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए या उसमें और क्या करे क्या ना करे टाइप्स की कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करे कौन सी नहीं कौन सा कोर्स करे कौन सा नहीं तो उसके लिए 2 बहुत ज़रूरी जो मुझे अच्छे लगे कंसल्टेंट्स वो थे IDP एजुकेशन और SIUK ठीक है इनके ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है ऑल अक्रॉस द ग्लोब है इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर बट ये आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते और ये रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के फेयर्स चलाते हैं स्पेशली क्योंकि अब कोविड के टाइम पे हमने ये सब किया था तो ऑनलाइन हो रहे थे वैसे इनके फेयर्स इन पर्सन भी होते थे ये जगह बुक करके आप वहाँ जाके उनको विजिट कर सकते थे बट ड्यूरिंग दिस टाइम
सब कुछ ऑनलाइन था. तो मैंने कुछ फेयर्स अटेंड किए. आई रिमेंबर अटेंडिंग वन विद IDP जिसमें वॉरिक यूनिवर्सिटी भी आ रही थी, न्यू कासल भी आ रही थी. तो उधर जाके मैंने उनसे बात करी 1-to-1, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव होता है उस फेयर में, जो आपसे बात करते हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं उनको एड्रेस करते हैं. तो मैंने उस टाइम पे उनसे बात करी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि वॉरिक इज़ द राइट प्लेस फॉर मी. एंड न्यू कासल में तब तक मैं अप्लाई कर चुकी थी. तो ये फेयर्स भी अराउंड फेब्रवरी के आसपास हुए थे. एंड आफ्टर दैट यू हैव एन ऑप्शन कि आपको IDP के थ्रू ही अप्लाई करना है, IDP के थ्रू ही सारा वीज़ा प्रोसेस भी करना है, या फिर खुद से करना है. सो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि मैं खुद से कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने किसी काउंसलिंग एजेंसी की हेल्प नहीं ली थी. बट हाँ, मैंने ये फेयर्स अटेंड करे थे क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी से आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करने को मौका मिलता है. तो आप प्लीज़ इनकी वेबसाइट्स पर जाके ज़रूर देखिएगा कि इनके फेयर्स कब हो रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी उसमें है या नहीं. और दो वेबसाइट्स जिनकी मैंने बात करी थी, QS Rank और Gaijin, तो उसकी भी लिंक्स मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसकी रैंकिंग क्या है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंक इतनी अच्छी ना हो, बट जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसमें उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी हो, या फिर दी अदर वे अराउंड कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है और आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसमें उसकी फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है. तो ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा. उसके लिए मैं बहुत स्टडी करती थी, पेजेस खोल के, एलुमनाई को लिंक्डइन पे फॉलो करके, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और कौन से फेयर्स होते हैं, जॉब फेयर्स है या नहीं, प्लेसमेंट्स है या नहीं. इन यूनिवर्सिटीज़ में मेजरली कोई प्लेसमेंट नहीं होती है अनलेस इट्स स्पेसिफाइड इन योर कोर्स. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको पेड प्लेसमेंट मिलती है, यानी कि एक साल के लिए वो आपसे काम करवाते हैं, आपको प्लेस करते हैं किसी कंपनी में, एंड यू गेट पेड फॉर इट. सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू. माई कोर्स डज नॉट हैव एनी प्लेसमेंट. तो जो करेंगे वो खुद रिसर्च करके, खुद सर्च करके, पढ़ाई करने के बाद अप्लाई करके खुद से, अगर हमको, इफ आई फील दैट यू नो आई वॉन्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस आफ्टर फिनिशिंग माई कोर्स, तो फिर मैं यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करके खुद से देखूंगी, और उस टाइम पे भी जो भी प्रोसेस होगा ज़रूर उसके थ्रू लेके चलूँगी. So I really hope that you found this video insightful. और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे questions है जो आप पूछना चाहते हैं, तो please comment below in the comment section. मैं address करूँगी उनको as soon as I read them. Thank you.